दोस्तों केकेआर और आरसीबी की टीम के मैच के दौरान विराट कोहली के विकेट के ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। हर्षित राणा ने विराट कोहली को एक बॉल डाली जो कि साफ क्लियरली वेस्ट के ऊपर थी, यानी कि कमर के ऊपर थी, जिसके बाद विराट कोहली ने तुरंत रिव्यू मांगा और यहां पर थर्ड अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल के बदले विराट कोहली को आउट दे दिया, जिसके बाद विराट कोहली काफी ज्यादा अपसेट नजर आए अंपायर के इस डिसीजन से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, साफ साफ नो बॉल थी। भले ही विराट कोहली आगे बढ़ के खेल रहे थे, लेकिन आप लोग देख सकते हो विराट कोहली अपने पंजों पे खड़े हैं, तो साफ साफ एक नो बॉल थी जिसको कि थर्ड अंपायर द्वारा एक लीगल डिलीवरी करार दिया गया और विराट कोहली को साफ आउट दे दिया गया। दोस्तों विराट कोहली इस मैच में बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे, 7 गेंदों में 18 रन बनाए विराट कोहली ने, और इस डिसमिसल के बाद विराट कोहली के फैंस और आरसीबी की टीम के फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, ये आउट है या नॉट आउट, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा।